श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर आज गढ़छाना दौरे पर रीट परीक्षा की पूर्व तैयारियों को लेकर परीक्षा केंद्रों पर आज जायजा लिया गया है। मुख्य तौर पर किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन जी। जाकिर जी, आज जायजा लिया गया है रीट परीक्षाओं को लेकर, किस प्रकार की व्यवस्था और क्या क्या रहेगी? परसों जो रीट की परीक्षा है उसको लेके उसकी व्यवस्थाओं को देखने में और एसपी साहब यहाँ पे आए हैं। आज दिन में केंद्र अधीक्षकों की ट्रेनिंग थी, उसमें भी हम लोग गए थे और उनकी ब्रीफिंग की थी। तो सारे जो इंतजाम करने हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, उसके बारे में उनको गाइड किया गया था। और यहाँ हम खुद देखने आए हैं कि स्कूल के अंदर क्या क्या इंतजाम है। अभी कमरे खुलवा के देखे हैं, कुर्सी टेबल जो लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी और जो सुरक्षा के इंतजाम करने हैं उनका जायजा हमने लिया। सब व्यवस्थाएं यहाँ पे ठीक हैं और लोकल प्रशासन को बाकी और जो भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सिक्योरिटी में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। कोरोना गाइडलाइन की किस प्रकार से पालना की जाती है? कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हमने जो भी बच्चे मास्क लगा के आएंगे वो सारे मास्क हम चेंज करा देंगे। मेडिकेटेड मास्क हमने सभी सेंटर्स पर उपलब्ध कराए हैं, वो इन लोगों को मिल जाएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिए गए पूरे जिले के, वो मास्क को इस्तेमाल करेंगे। ये थे हमारे साथ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन जी का कहना है कि तमाम व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और रीट की परीक्षा जो है अनुशासन तरीके से जो है वो करवाई जाएगी। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक A1 TV।